हाय गाइस, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के स्टूडेंट होंगे, आर्ट से एडमिशन आपका होगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा आप कॉम्पिटेटिव लेवल की आप तैयारी करते होंगे, जैसे सीट बिहार पुलिस आर्मी या RRB का, तो आप उसमें बहुत ये वीडियो जो होगा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, इसका अधिनियम कब पारित किया गया, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल के साथ। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया गया है ना कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको जानना जरूरी है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो है आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु इसको बोला जाता है, पहले बेंगलुरु बोला जाता था, बेंगलुरु। ठीक है, आप बेंगलुरु बोलिए या कर्नाटक इसको बोलिए, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका अधिनियम जो हुआ था 1942 में, याद रखिएगा, स्थापना से अधिनियम 1942 में, और 1942 में आपका आजाद हिंद फौज की स्थापना भी हुआ था 1942 में, तो आपको याद रखिएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था आपका 1942 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पढ़ पढ़ के गर्दन उड़ा देना है। देखिए क्या है कि रबर बोर्ड के मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी बहुत इजी है। तो रबर बोर्ड की जब आएगा ना, तो आप कोटायम मारिएगा, कोटायम होगा। ठीक है, रबर बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है, कोटायम। और इसका अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1947 में, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था, तो 1947 में। ठीक है, और ये केरल में पड़ता है, केरल ही पूछेगा ब्रैकेट में, केरल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 नंबर पर कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चाय हम लोग जानते हैं कि कोलकाता में इसका मुख्यालय है, कोलकाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और इसका स्थापना जो होता है, अधिनियम पारित किया गया था 1953 में, 1953 में, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि आता है हम लोग का तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तंबाकू ये है गुंटूर, ऐसे रहेगा गुंटूर। ठीक है, और इसका स्थापना बता दें कि कब हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था, 1975, जो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसको बता सकते हैं, आंध्र प्रदेश इसका जो गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मसाला, तो मसाला सबको ही जानता है कि मसाला सबसे अधिक कहाँ होता है, केरल में होता है, और केरल कोची, याद रखिएगा कोची केरल, याद रखिएगा कोची केरल। और इसका स्थापना जो हुआ था 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1986 याद रखिएगा, 1986 में अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद है कि राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण, यानी पोल्ट्री प्रणाली, मुर्गी पालन जो आजकल बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो स्थापना, सॉरी मुख्यालय, पहले हम लोग लिखेंगे कि मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है दिल्ली, याद रखिएगा, जो हम लोग का देश की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका स्थापना अधिनियम बता दें कि कब हुआ था, 26 दिसंबर 2006, यहाँ लिखते रहे 26 दिसंबर 2006, आप लोग याद रखिएगा इसको। अब हम लोग बात करें कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जब अंगूर रहेगा तो आपको पुणे याद रखना है, पुणे इसका मुख्यालय है, पुणे। ठीक है, और इसका स्थापना वर्ष बता दें आपको, 2 जनवरी 2009 को हुआ था, 2 जनवरी 2009 याद रखिएगा, 2 जनवरी 2009 को इसका स्थापना हुआ था। अब हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जूट आएगा और चाहे आपका आएगा चाय, तो दोनों का मुख्यालय कोलकाता होता है, याद रखिएगा कोलकाता, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। और इसका स्थापना वर्ष यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो दिया गया है 9 नंबर जो है, राष्ट्रीय मत्स्य, मछली जो पालन वाला जो है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा फेमस जगह पर है, हैदराबाद। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो स्वयं आपका हो जाएगा। उसके बाद इसका स्थापना वर्ष बता दें, अच्छा अधिनियम बताएं तो 2006, तो इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं। देखिए,
कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में जो पड़ता है। 1942 आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ से? कोटायम। कोटायम कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ा है? केरल में, ठीक है। तो ये 1947 में इसका स्थापना हुआ था जब देश आजाद हुआ था। आगे बात करते हैं कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है। और इसका स्थापना 1953 बता सकते हैं, चाय अधिनियम उसका बता सकते हैं। उसके बाद तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये 1975 में इसका अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। अब आते हैं कि मसाला बोर्ड का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोची पड़ता है, कोची जो केरल के अंदर आता है, और इसका स्थापना 1986, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये BBI, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण, ठीक है, तो मांस और पोल्ट्री संस्करण यानी मुर्गी पालन वगैरह हो गया। तो ये 26 दिसंबर, सॉरी, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, और 26 दिसंबर 2006, ठीक है। रिवाइज रिवाइज चल रहा है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है, गर्दा उड़ा देना एकदम। देखिए आगे देखते हैं कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पुणे है, पुणे में, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष दिया गया 2 जनवरी 2009, ज्यादा नहीं हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना, सॉरी, मुख्यालय जो है कोलकाता। तो दो चीज हम लोग पढ़े, क्या क्या? एक जूट आ गया, याद रखिएगा, जूट और चाय, याद रखिएगा, चाय जूट जब आएगा तो इसका होगा कोलकाता, कोलकाता होगा, ठीक है। उसके बाद इसका अभी स्थापना अधिनियम नहीं बताया गया, इसलिए कभी फिर वीडियो बनेगा तो बता दिया जाएगा आपको। राष्ट्रीय मत्स्य यानी मछली बोर्ड का मुख्यालय है हैदराबाद में, और इसका स्थापना होता 2006 में। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करना, चाहे ऑनलाइक करना, लेकिन कमेंट करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।